फर्जी सीएमओ की मुहर लगाकर खरीदी गई अल्ट्रासाउंड की दो मशीन। पूरा मामला बरेली के शीशगढ़ इलाके का है, जहां जानकारी के मुताबिक फर्जी अल्ट्रासाउंड चलने की पोल उस समय खुली जब मशीन की बिक्री के दौरान हुई उधारी की रकम को मांगा गया, तो वादे के मुताबिक समय पर रकम न मिलने पर विक्रेता ने पुलिस की मदद से अपनी मशीन वापस ले ली, जिसके बाद खरीदने वाले व्यक्ति ने शीशगढ़ थाने में मशीन चोरी की तहरीर दी, तो संभ्रांत लोगों ने बैठकर दोनों पक्षों का समझौता करा दिया। लेकिन इस दौरान यह विषय जिले भर में चर्चा बना हुआ है और पता चला कि फर्जी लेटर पर सीएमओ की फर्जी मुहर लगाकर मशीन की खरीद फरोख्त की गई थी और एक पीसीपीएनडीटी पर दो मशीनें चल रही थीं। इसी कार्यवाही के डर से मशीन मालिक ने अपनी मशीन वापस ली थी। हालांकि अब स्वास्थ्य विभाग के जिम्मेदार अल्ट्रासाउंड मशीन संचालक के खिलाफ कार्यवाही करने की बात कर रहे हैं, लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या फर्जी लेटर पर सीएमओ की मुहर किसी स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी ने लगाई थी या फिर अल्ट्रासाउंड मशीन संचालक ने सीएमओ की फर्जी मुहर बनवा रखी है। इसकी जांच होना भी अत्यंत आवश्यक है। सर, ये सीकर और शेरगढ़ में एक फर्जी अल्ट्रासाउंड पे चल रहा था, एक एक रजिस्ट्रेशन पे दो दो मशीनें चल रही थी जिसमें फर्जी सीएमओ की मुहर लगाकर आपकी मुहर लगा गई। सर, कहीं ना कहीं आपकी छवि को डुप्लीकेट करने का प्रयास किया जा रहा है। एक्चुअली जो आपने बताया उसको मेरे संज्ञान में आया था, मुझे आप ही लोगों से ज्ञात हुआ था। जो एक एक मशीन उनकी जो पहले से थी वो रजिस्टर्ड है हमारे यहाँ, उसका लाइसेंस वैध है, लेकिन दूसरी मशीन मुझे नहीं देखने को मिली, लेकिन वो कागज़ जरूर मुझे देखने को मिला जिसमें उन्होंने डाल रखा है कि वो तो फर्जी कागज़ है। वो इस संदर्भ में उनको मैंने कार्यालय बुलाया था, लेकिन वो नहीं आए। दोबारा किस तरह की आगे की कार्रवाई की नहीं, उनके खिलाफ FIR लिखाई जाएगी, इसमें कोई गुंजाइश नहीं है। अगर वो नहीं अपना रिकॉर्ड दिखाते हैं तो माना जाएगा कि वो बात सही है। दो मशीन उनके पास है, अभी दो मशीनें मेरे संज्ञान में आई नहीं, देखने को नहीं मिली मुझे, क्योंकि एक मशीन का हमने पंजीकरण कर रखा है यहाँ पर, तो वो उनका रजिस्ट्रेशन अभी है। वादा कि दोबारा अगर मशीन के लिए उन्हें बुलाया, आई नहीं वो। सर, जिले में कितने ऐसे हॉस्पिटल जो उनके रजिस्ट्रेशन है और कोई नहीं, कुछ पुष्टि नहीं है, कुछ जानकारी नहीं? जिले में लगभग 250 के आसपास मशीनें रजिस्टर्ड हैं हमारे पास, और शेष जो उनका रिन्यूअल होता रहता है समय समय, जो ड्यू होता जाता है, नई होती परमिशन, उसकी पूरी जांच करते हैं हम लोग। जाँच के बाद, ऑनलाइन आवेदन के बाद, सत्यापन करने के बाद नया लाइसेंस जारी करते हैं। सर, ऐसे कई हॉस्पिटल हैं जो फर्जी तरीके से चल रहे हैं, उन पर क्या कार्रवाई होगी? सो उन पर कार्रवाई होती रहती है लगातार, बंद होते रहते हैं, सील होते रहते हैं, मुकदमा लिखता रहता है, ये सब जो कार्रवाई हो सकती है वो करी जाती है। टीम को हम लोग भेजते हैं जिले से, वहाँ के MIC को अधिकार दे रखा है, अगर उनके क्षेत्र में कोई पाया था तो वो भी उसको बंद कर सकते हैं। सर, WH